नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी कक्षा 8वीं की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 3 के बारे में। तो इसमें अभी तक हम लोग 2 चैप्टर खत्म कर चुके हैं। दूसरा चैप्टर था धर्म निरपेक्षता की समझ। आज हम लोग बात करेंगे कि तीसरे चैप्टर के बारे में, हमें संसद क्यों चाहिए। फिर से बोल देता हूँ, इन्हें अच्छे से पढ़िए, कहानी का रूप देकर पढ़िए, ठीक है। बड़े कहानी का रूप देकर इसे सुनिए फिर, ठीक है। और लास्ट तक आपको समझ में आ जाएगा कि हमें क्या जरूरत है, हमें से निष्कर्ष के तौर पर क्या चाहिए, ठीक। कुछ ऐसे शब्द मिलते हैं, उनकी परिभाषा हमें जाननी है, और वही सब समझ कर निकल जाइए बस, ठीक है। हम भारतीयों को इस बात का गर्व है कि हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है। इस अध्याय में हम निर्णय प्रक्रिया में सहभागिता और लोकतांत्रिक सरकार के लिए नागरिकों की सहमति के महत्व जैसे विचारों के आपसी संबंधों को समझने की कोशिश करेंगे। यही वे तथ्य हैं जो सम्मिलित रूप से भारत में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का निर्माण करते हैं। इस बात की सबसे अच्छी अभिव्यक्ति संसद के रूप में मिलती है। इस अध्याय में हम यह देखेंगे कि किस तरह हमारी संसद देश के नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में भाग हिस्सा या भाग लेने और सरकार पर अंकुश रखने में मदद देती है। इसी आधार पर संसद भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक और संविधान का केंद्रीय तत्व है। लोगों को फैसला क्यों लेना चाहिए? जैसा कि हम जानते हैं कि भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। इस आजादी के लिए पूरे देश की जनता ने एक लंबा और मुश्किल संघर्ष चलाया था। इस संघर्ष में समाज के बहुत सारे तबकों की हिस्सेदारी थी। तरह तरह की पृष्ठभूमि के लोगों ने इसमें भाग लिया। वे स्वतंत्रता, समानता और निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी के विचारों से प्रेरित थे। औपनिवेशिक शासन के तहत लोग ब्रिटिश सरकार से भयभीत रहते थे। वे सरकार के बहुत सारे फैसलों से असहमत थे, लेकिन अगर वे इन फैसलों की आलोचना करते तो उन्हें भारी खतरों का सामना करना पड़ता था। स्वतंत्रता आंदोलन ने यह स्थिति बदल लाई। राष्ट्रवादी खुलेआम ब्रिटिश सरकार की आलोचना करने लगे और अपनी मांगें पेश करने लगे। 1885 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए और उन्हें बजट पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का अधिकार मिलना चाहिए। 1909 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कुछ हद तक निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को मंजूरी दे दी है। हालांकि ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत बनाई गई ये शुरुआती विधायिकाएं राष्ट्रवादियों के बढ़ते जा रहे दबाव के कारण ही बनी थी, लेकिन इनमें भी सभी वयस्कों को न वोट डालने का अधिकार दिया गया था, न ही आम लोग निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते थे। जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ा था कि औपनिवेशिक शासन के दबाव और स्वतंत्रता संघर्ष में तरह तरह के लोगों की हिस्सेदारी के आधार पर राष्ट्रवादियों में को विश्वास हो गया था कि स्वतंत्र भारत में सभी लोग अपने जीवन को प्रभावित करने वाले फैसलों में हिस्सा लेने की क्षमता रखते हैं। स्वतंत्रता मिलने पर हम एक स्वतंत्र देश के नागरिक बनने वाले थे, लेकिन इसका मतलब यह मतलब नहीं था कि सरकार जो चाहे कर सकती थी। इसका मतलब यह था कि अब सरकार को लोगों की जरूरतों और मांगों के प्रति संवेदनशील रहना होगा। स्वतंत्रता संघर्ष के सपनों और आकांक्षाओं ने स्वतंत्र भारत के संविधान में ठोस रूप ग्रहण किया। इस संविधान ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाया। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब देश के सभी वयस्क यानी कि 18 वर्ष से जो ऊपर के हैं नागरिकों को वोट देने का अधिकार होता है 18 से, ठीक है। इस चित्र में आप देख रहे होंगे दादाजी, इस चित्र में एक मतदाता इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल की विधि पढ़ रहा है। 2004 के आम चुनाव में
पहली बार पूरे देश में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था। इस चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल से लगभग 1,50,000 पेड़ों की रक्षा हुई, क्योंकि मत पत्रों की छपाई के लिए इन पेड़ों को काट कर 8,000 टन कागज बनाना पड़ता है। अब बात करते हैं लोग और उनकी प्रतिनिधियों के बारे में। सहमति का विचार लोकतंत्र का प्रस्थान बिंदु होता है। सहमति का मतलब होता है चाहे स्वीकृति और लोगों की हिस्सेदारी। लोगों का निर्णय ही लोकतांत्रिक सरकार का गठन करता है और उसके कामकाज के बारे में फैसला देता है। इस तरह के लोकतंत्र के पीछे मूल सोच यह होती है कि व्यक्ति या नागरिक ही सबसे महत्वपूर्ण है और सिद्धांतिक स्तर पर सरकार एवं अन्य सार्वजनिक संस्थानों में नागरिकों की आस्था होनी चाहिए। व्यक्ति सरकार को अपनी मंजूरी कैसे देता है? जैसा कि आपने पढ़ा है कि मंजूरी देने का एक तरीका चुनाव है। लोग संसद के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। इन्हें निर्वाचित प्रतिनिधियों में से एक समूह सरकार बनाता है। जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधियों के इस समूह को ही हम लोग संसद कहा जाता है। यह संसद सरकार को नियंत्रित करती है और उसका मार्गदर्शन करती है। इस लिहाज से अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से लोग ही सरकार बनाते हैं, उस पर नियंत्रण रखते हैं। इस फोटो में चुनाव कर्मचारी एक दुर्गम इलाके पर स्थित मतदान केंद्र तक मतदान सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पहुंचाने के लिए हाथी का इस्तेमाल कर रहे हैं। देख लीजिए, प्रतिनिधित्व का यह विस्तार विचार कक्षा 6वीं और 7वीं की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पाठ पुस्तकों का एक महत्वपूर्ण विषय था। आप इस बात से पहले ही परिचित हैं कि सरकार के विभिन्न स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव किस तरह किया जाता है। आइए निम्नलिखित अभ्यास के माध्यम से विचारों को एक बार दोहरा लें। विधायिका एमएलए कौन होता है, उसका चुनाव कैसे किया जाता है, इस बात को समझाने के लिए निर्वाचित क्षेत्र और प्रतिनिधि निधित्व शब्दों का प्रयोग करें। राज्य विधानसभा और संसद लोकसभा के बीच क्या फर्क है, इस बारे में अपने शिक्षक से चर्चा करना। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन काम राज्य सरकार के हैं और कौन से केंद्र के। चीन के साथ शांतिपूर्ण संबंध रखा जाए। मध्य प्रदेश में बोर्ड के तहत आने वाले सभी स्कूलों में कक्षा 8वीं की बोर्ड परीक्षाओं से बाहर रखा जाए। अजमेर और मैसूर के बीच एक नया रेलगाड़ी चलाई जाए। 100 रुपये का नया नोट जारी किया जाए। निम्नलिखित शब्दों को रिक्त स्थान में भरें। सार्वभौमिक व अस्मत अधिकार विधायिकाओं प्रतिनिधियों और प्रत्यक्ष रूप से। हमारे समय में लोकतांत्रिक सरकार को आमतौर पर प्रतिनिधित्व प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र की संज्ञा दी गई। प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र में लोग प्रत्यक्ष रूप से हिस्सेदारी नहीं करते, बल्कि चुनाव प्रक्रिया के जरिए अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। ये विधायकों पूरी जनता के बारे में मिलकर प्रतिनिधि फैसले लेते हैं। आज के दौर में ऐसे ही सरकार को लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता है जो अपने लोगों को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार ना देती हो। इसका मतलब है कि यह कि देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार होता है। आप पढ़ चुके हैं कि पंचायत राज विधायिका या संसद के लिए चुने जाने वाले ज्यादातर निर्वाचित प्रतिनिधियों को 5 साल की अवधि के लिए चुना जाता है। ऐसा क्यों है? जनप्रतिनिधियों को केवल कुछ सालों के लिए ही चुना जाता है, जीवन भर के लिए नहीं। आप यह पढ़ चुके हैं कि सरकार की कार्रवाइयों पर अपनी सहमति या असहमति व्यक्त करने के लिए लोग केवल चुनावों का ही इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि वे दूसरे रास्ते भी अख्तियार करते हैं। क्या आप छोटे से नाटक के जरिए इस तरह के 3 तरीकों बता सकते हैं? भारतीय संसद देश की सर्वोच्च कानूनी निर्मात्री संस्था है। इसमें 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा में कुल 245 सदस्य होते हैं। देश के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। याद रखिए इस शब्द को, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं।
लेकिन जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, फिर भी सभापति होते हैं। लोकसभा के कुल 545 सदस्य होते हैं, इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव इन्हीं सदस्यों में से होता है। ठीक है, बात करते हैं संसद की भूमिका। आजादी के बाद गठित की गई भारतीय संसद लोकतंत्र के सिद्धांत में भारतीय जनता की आस्था का प्रतीक है। ये सिद्धांत है कि निर्णय प्रक्रिया में जनता की हिस्सेदारी और सहमति पर आधारित शासन। हमारी व्यवस्था में संसद के पास महत्वपूर्ण शक्तियां हैं क्योंकि यह जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। लोकसभा के लिए उसी तरह चुनाव होते हैं जिस तरह राज्य विधानसभा के लिए चुनाव होते हैं। आमतौर पर लोकसभा के लिए हर 5 साल में चुनाव करवाए जाते हैं, जैसा कि पृष्ठ संख्या 41 पर दिए गए नक्शे में दिखाया गया। देश को कुछ को बहुत सारे निर्वाचित क्षेत्रों में बांटा गया है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में एक व्यक्ति को संसद में भेजा जाता है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार आमतौर पर विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य होते हैं। नीचे दी गई तालिका के माध्यम से आइए इस बात को अच्छी तरह से समझें। 16वीं लोकसभा के चुनाव 2014 में हुए थे, आपको पता होगा। इसमें राजनीतिक दल हैं और निर्वाचित सदस्यों की संख्या है। तो भारतीय जनता पार्टी 282 सीटें मिली थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इसे 1 सीट मिली थी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लिस्ट शिष्ट इसे 9, इंडिया नेशनल कांग्रेस 44। विपक्ष में ना तो आपकी 17वीं लोकसभा में ना ही आपकी 16वीं लोकसभा में विपक्ष का कोई नेता नहीं है, क्योंकि 10% सीटें किसी के पास नहीं है विपक्ष के। ठीक, कांग्रेस दोनों बार विपक्ष से वंचित है। नेशनल कांग्रेस नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी को 6 सीटें। राज्य स्तरीय दल की बात करें, क्षेत्रीय दल को आम आदमी पार्टी 4, ऑल इंडिया अन्ना देवेड मुन्नेत कड़गम 37, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 34, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट 3, बीजू जनता दल बीजेडी 20, इंडियन नेशनल लोकदल 2, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग 2, जम्मू एंड कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी 3, जनता दल सेकुलर 2, जनता दल यूनाइटेड 2, झारखंड मुक्ति मोर्चा 2, लोक जनशक्ति पार्टी 6, राष्ट्रीय जनता दल राजद 4, समाजवादी पार्टी 5, श्रोमणि अकाली दल 4, शिवसेना 18, तेलंगाना राज्य समिति TRS 11, तेलुगु देशम पार्टी 16, अन्य क्षेत्रीय पार्टी 7, पंजीकृत अमान्यता प्राप्त 16, स्वावलंबी 3। कुल आपके 543 हो गए, 2 आपके मनोनीत। 15वीं लोकसभा के चुनाव के देख लें, ठीक है, इसमें कोई इस तालिका में 2009 में हुई 15वीं लोकसभा के चुनाव परिणाम दिखाए गए। इन चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीटें मिली थी, लेकिन फिर भी वह लोकसभा में बहुमत हासिल नहीं कर पाई, लिहाजा उसे अन्य दलों के साथ मिलकर संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन UPA का गठन करके सरकार बनानी पड़ी। NDA बीजेपी का गठन दल है, बीजेपी कुछ पार्टियों से मिलकर NDA कहलाती है, UPA कांग्रेस कुछ पार्टियों से मिलकर UPA कहलाती है। ठीक है, चुने जाने के बाद एक उम्मीदवार संसद सदस्य या सांसद MP कहलाते हैं। इन सांसदों को मिलाकर संसद बनती है। संसद के चुनाव हो जाने के बाद संसद को निम्नलिखित काम करने होते हैं, राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना। भारतीय संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। संसद आपका राष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा से मिलकर बना होता है। ठीक है, लोकसभा चुनाव के बाद सांसदों की एक सूची बनाई जाती है, इससे पता चलता है कि किस राजनीतिक दल के कितने सांसद हैं। यदि कोई राजनीतिक दल सरकार बनाना चाहता है तो उसे निर्वाचित सांसदों में बहुमत प्राप्त होना चाहिए। चूंकि लोकसभा में कुल 543 निर्वाचित सदस्य और 2 आपके मनोनीत सदस्य होते हैं, इसलिए बहुमत हासिल करने के लिए लोकसभा में किसी भी दल के पास कम से कम 272 सदस्य होने चाहिए। संसद में बहुमत प्राप्त करने वाले दल का गठबंधन का विरोध करने वाले सभी राजनीतिक दल विपक्षी दल कहलाते हैं।
कार्यपालिका का चुनाव करना लोकसभा का एक महत्वपूर्ण काम होता है। जैसा जैसा कि आपने पहले अध्याय में पढ़ा था कि कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह होती है जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए मिलकर काम करती है। जब हम सरकार शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जहन में अक्सर यही कार्यपालिका होती है। भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है। प्रधानमंत्री अपने दल के सांसदों में से मंत्रियों का चुनाव करता है जो प्रधानमंत्री के साथ मिलकर फैसलों को लागू करते हैं। ये मंत्री स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्त इत्यादि विभिन्न सरकारी कार्यों का जिम्मा संभालते हैं। हाल के सालों में काफी बार किसी एक राजनीतिक दल को बहुमत नहीं मिल पाया जो कि सरकार बनाने के लिए एकदम जरूरी है। ऐसा सूरत में कई सरकारें राजनीतिक दल मिलकर एक गठबंधन सरकार बना देते हैं और साझा मुद्दों पर काम करते हैं। ये आपका केंद्रीय सचिवालय का की दो इमारतें, इनमें से एक का नाम साउथ ब्लॉक और दूसरे का नॉर्थ ब्लॉक है। इनका निर्माण 1930 के दशक में किया गया था। बाईं ओर साउथ ब्लॉक का चित्र है जिसमें प्रधानमंत्री कार्यालय, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय के दफ्तर हैं और दाईं ओर आपका नॉर्थ ब्लॉक है। यहाँ वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय स्थित है। केंद्र सरकार के अन्य मंत्रालय नई दिल्ली की विभिन्न इमारतों में स्थित हैं। बात कर लेते हैं राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा आपका स्थायी सदन है क्योंकि इसका विघटन कभी नहीं होता है। ठीक। राज्यसभा मुख्य रूप से देश के राज्यों की प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं। राज्यसभा में भी कोई कानून बनाने का प्रस्ताव पेश कर सकती है। किसी विधेयक को कानून के रूप में लागू करने के लिए यह जरूरी है कि उसे राज्यसभा की भी मंजूरी मिल चुकी हो। इस प्रकार राज्यसभा को भी की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संसद का यह सदन लोकसभा द्वारा पारित किए गए कानूनों की समीक्षा करता है और अगर जरूरत हुई तो उसमें संशोधन करता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? जो विधायक होते हैं राज्यों की वही करते हैं। राज्यसभा में 233 निर्वाचित सदस्य होते हैं और 12 सदस्य आपके राष्ट्रपति की ओर से मनोनीत किए जाते हैं। बात करते हैं सरकार को नियंत्रित करना, मार्गदर्शन देना और जानकारी देना। जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो उसमें सबसे पहले प्रश्नकाल होता है आपका। प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। इसके माध्यम से संसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारियां हासिल करते हैं। इसके जरिए संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। सवालों के माध्यम से सरकार को उनकी खामियों के प्रति आगाह किया जाता है। अब हमें पता है होना चाहिए कि इन्हीं बारे में प्रश्नकाल क्या है, ये कैसे चलता है, क्या काम करता है इस बीच में, इन्हीं के बारे में हमें जानना है। क्योंकि अगर आगे लिखने के लिए आ रहा है और हमें प्रश्नकाल का अर्थ ही मालूम नहीं है, आखिर प्रश्नकाल क्या होता है, तो इसीलिए हमें सलाह दी जाती है कि NCERT पढ़िए जिससे हमारा बेस मजबूत हो सके। इस तरह सरकार को भी जनता के प्रतिनिधि यानी कि सांसदों के जरिए जनता की राय जानने का मौका मिलता है। सरकार से सवाल पूछना किसी भी सांसद की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। लोकतंत्र के स्वस्थ संचालन में विपक्षी दल एक अहम भूमिका सदा अदा करते हैं। वे सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की कमियों को सामने लाते हैं और अपनी नीतियों के लिए जन समर्थन जुटाते हैं। संसद में पूछे गए प्रश्न का उदाहरण लोकसभा। आतारांकित प्रश्न 48 दिनांक 15 दिसंबर 2017 को उत्तर के लिए बच्चों के लिए योजना। डॉक्टर मनोज राजौरिया, क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे क्या सरकार देश में बच्चों के लिए विभिन्न योजनाओं और नीतियों का समीकरण करने का विचार है? यदि हाँ तो तत्व संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसका क्या कारण है? उत्तर में क्या मिला? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री। काशिका, मंत्रालय ने राष्ट्रीय बाल कार्य योजना 2016 का विकास किया जो ज्यादातर विभिन्न मंत्रालयों विभागों की विद्यमान योजनाओं एवं कार्यक्रमों पर आधारित है। इसमें मंत्रालयों और विभागों तथा राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के अभिसरण एवं समन्वय के लिए रूपरेखा का प्रावधान तथा यह बच्चों की बहुआयामी कमजोरियों को दूर करने के लिए
सभी हितधारकों से सामूहिक कार्रवाई को प्रोत्साहित करती है। राष्ट्रीय बाल कार्य योजना 2016 बच्चों के अधिकारों को प्राथमिकता के चार प्रमुख क्षेत्रों जैसे उत्तरजीविका, स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा एवं विकास, संरक्षण और भागीदारी में वर्गीकृत करती है। यह विभिन्न रणनीतियों के कार्यान्वयन के लिए प्रमुख कार्यक्रमों, योजनाओं, नीतियों तथा हितधारकों को भी चिन्हित करती है। आगे बात करते हैं हम लोग सांसदों के प्रश्न से सरकार को भी महत्वपूर्ण फीडबैक मिलता है, इसके चलते सरकार चुस्त रहती है। इसके अलावा वित्त से संबंधित सभी मामलों में संसद को मंजूरी सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। यह उन कई तरीकों में से एक है जिसके माध्यम से संसद सरकार को नियंत्रित करती है, उसका मार्गदर्शन करती है, उसको सूचित करती है। जनप्रतिनिधियों के रूप में संसद को नियंत्रित, निर्देशित और सूचित करने में सांसदों की एक अहम भूमिका होती है और यह है भारतीय लोकतंत्र का एक प्रमुख या मुख्य आयाम। बात करते हैं कानून बनाना। कानून बनाना संसद का एक महत्वपूर्ण काम है, इसके बारे में हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। संसद में कौन लोग होते हैं? संसद में विभिन्न पृष्ठभूमि वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। उदाहरण के लिए अब ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले सदस्यों की संख्या पहले से ज्यादा है। बहुत सारे क्षेत्रीय दलों के सदस्य भी अब बढ़ गए हैं। जिन समूहों और तबकों का अब तक संसद में कोई प्रतिनिधित्व नहीं था, वे अब चुनाव जीतकर आने लगे। दलित और पिछड़े वर्गों की राजनीतिक हिस्सेदारी भी बढ़ रही है। निम्नलिखित तालिका से पता चलता है कि अलग अलग सालों में लोकसभा के लिए वोट डालने वाली आबादी का प्रतिशत था। लोकसभा चुनाव वर्ष मतदान पहली 1951-52 में 61.16% मतदान हुआ था। चौथी में आपका 1967 61.33, पांचवी में 1971 में 55.9, छठवी में 60, देख लीजिए बढ़ता गया। ठीक है, देखने में आया कि प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र अपने समाज को पूरे तौर पर सही ढंग से प्रतिबिंबित नहीं कर सकता। यह बात से साफ दिखाई देने लगी है कि जब हमारे हित और अनुभव अलग अलग होते हैं तो एक समूह के व्यक्ति सबके हित में आवाज नहीं उठा सकते। इस बात को ध्यान में रखते हुए संसद में कुछ सीटें अनुसूचित जातियों यानी कि SC और कुछ अनुसूचित जनजातियों ST के लिए आरक्षित की गई। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि इन चुनाव क्षेत्रों में केवल दलितों और आदिवासी उम्मीदवार ही जीतें और संसद में उनकी भी उचित हिस्सेदारी हो। उनसे उम्मीद की जाती है कि वे दलितों और आदिवासियों की जिंदगी से जुड़े मुद्दों को ज्यादा अच्छी तरह से संसद में उठा सकते हैं। इसी प्रकार हाल ही में महिलाओं के लिए भी सीटों का आरक्षण का सुझाव पेश किया गया। इस सवाल पर अभी बहस भी जारी है। 60 साल पहले संसद में केवल 4% महिलाएं थी, आज भी उनकी संख्या 11% से जहां जरा सा ऊपर ही पहुंच गई। जब आप इस बात पर ध्यान देते हैं कि आधी आबादी औरतों की है तो साफ हो जाता है कि सांसदों में उन्हें बहुत कम जगह मिली है। इस तरह मुद्दों की वजह से आज हमारे देश याद रखिए आपकी 17वीं लोकसभा में महिलाओं की स्थिति क्या है पता है आपको? 78 हो गई है, 78 महिलाएं चुनी गई। ठीक, पहले 64 के करीब थी लेकिन अब 78 हो गई। ठीक है, 78 महिलाएं हैं। इस तरह के मुद्दों की वजह से आज हमारा देश ऐसे कुछ मुश्किल और अनसुलझे सवालों से जूझ रहा है। क्या हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था वाकई प्रतिनिधि या है या नहीं है? हम ऐसे सवाल पूछ सकते हैं और उनके जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं।
यह बात लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की ताकत और उसमें भारत के लोगों की आस्था को झलकाती है। ये आपके कुछ शब्द दिए गए हैं, ये भी देख लीजिए। स्वीकृति, किसी चीज पर अपनी सहमति देना, उसके पक्ष में काम करना। इस अध्याय में यह शब्द संसद के पास उपलब्ध औपचारिक सहमति, निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से और संसद में लोगों की आस्था बनाए रखने की जरूरत, दोनों संदर्भों में इस्तेमाल किया गया है। गठबंधन, इसका मतलब समूह या दलों के तत्कालीन गठजोड़ से होता है। इस अध्याय में गठबंधन शब्द का इस्तेमाल चुनाव के बाद किसी भी दल को बहुमत ना मिलने की स्थिति में बनने वाले गठजोड़ के लिए किया जाता है। अनसुलझे, इसका आशय ऐसी परिस्थितियों से जहां समस्याओं का कोई आसान समाधान उपलब्ध नहीं होता है। ये आपके कुछ अभ्यास के लिए क्वेश्चंस दिए गए हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम से, ठीक है? वहां से बेहतर रख लीजिए अपने पास, वो तो काम आती रहेगी। तो ये था आपका तीसरा अध्याय। अध्याय 4 में हम लोग बात करेंगे कानूनों की समझ के बारे में।